हेलो गाइस, आज हम लोग उड़ने वाला बैलून बनाने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए क्या चाहिए। हम लोगों को चाहिए कॉस्टिक सोडा, जो कि मार्केट में ढूंढने से मिल जाएगा आपको, और थोड़ा सा एल्यूमिनियम चाहिए, और फिर पानी चाहिए अपना, पानी चाहिए, और एक बोतल ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉस्टिक सोडा जो है ना बोतल में डाल लेंगे। तो ये जो बोतल लेंगे तो शीशे वाला लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो प्लास्टिक वाला पिघल जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं, कॉस्टिक सोडा, इसमें कॉस्टिक सोडा डालें और पानी मिला देंगे। पानी मिला दिया ताकि जो एल्यूमिनियम इसमें डूब जाए। हम लोग एल्यूमिनियम डालेंगे, देख लीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा हवा भरने लगा है, देख लीजिए ये भरते रहेगा। तो देख लीजिए हम लोगों का रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें देखिए भाप के रूप में आपको दिख रहा होगा, ये है हाइड्रोजन गैस। बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देता है, लवण देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये हाइड्रोजन गैस का हम लोग गुब्बारा बनाएंगे और इसको उड़ाने वाले हैं और जलाएंगे भी। देख लीजिए हम लोगों का बैलून ये फूल चुका है, अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। भाई बहुत मेहनत लगा इसको फुलाने के लिए, क्योंकि हम लोग घर में बैठ करके हाइड्रोजन गैस बना रहे थे और कॉस्टिक सोडा वगैरह लाने में भाई मेहनत लग जाता है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ज़रूर कीजिए यार। देख लीजिए हम लोगों का बैलून बन के रेडी हो गया है, एक और बनाए हैं, देख लीजिए दोनों उड़ रहा है। हम लोग छत में आ चुके हैं गुब्बारे को उड़ाने के लिए, देखिए गुब्बारा कितना शानदार उड़ रहा है, ज़बरदस्त उड़ रहा है, बिल्डिंग से भी ऊपर चले गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस का बना होता है, हाइड्रोजन गैस हल्का होता है। ये देखिए काफ़ी ऊपर उड़ रहा है, देखो ढगा का आप लोग घूम रहे देख सकते हो कैसा है, और किधर आप खत्म कहाँ है। तो भाई हम लोग इसके साथ काफी खेल लिए हैं, अब चूंकि ये हाइड्रोजन का गुब्बारा है तो जला के देखते हैं, चूंकि हाइड्रोजन का ये गुब्बारा है और हाइड्रोजन आसानी से जल जाता है, तो इसको जला के अब चेक करने वाले हैं। तो ठीक है बने रहिए। तो इसको जलाना काफ़ी खतरनाक होता है, उसके लिए हम लोग जो कुछ टेक्निक लगाएंगे। इसको जला दिया है, तो देखिए आप लोग